हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की। जो हमारी 12,000 एमसीक्यूज की जो सीरीज है उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा टॉपिक चल रहा है और इसमें सेट 3 जो है हम देखने वाले हैं, मतलब और भी जो क्वेश्चन है वो हम इन डिटेल जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2 दिन से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं जो है आउट ऑफ स्टेशन था और अभी भी मैं आउट ऑफ स्टेशन ही हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ मेरे पास जो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नहीं है, तो इस वीडियो में जो है क्वेश्चंस कम है लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैंने जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप नए हो इस सीरीज़ को अवेल करना चाहते हो तो एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो। और एमएम एकेडमी ऐप को आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोज लेक्चर देख रहे होंगे जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी जो है वीडियोस जो है थोड़ा लेट आ रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद जो है मैं यहाँ पे 2 वीडियोस जो है दिन में लेके आऊँगा। तो 2 सब्जेक्ट जो है मैं पैरेलल यहाँ पे लेके चलूँगा जिससे आपको जो है यहाँ पे कोई भी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। तो जैसे ही जो फेस्टिवल जो चल रहे हैं अभी ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सीरीज़ में जिसमें मैं 1 सब्जेक्ट और लेके आऊँगा। तो अभी 1 सब्जेक्ट तो हमारा चल ही रहा है हिस्ट्री, हम 1 सब्जेक्ट जो है पैरेलल यहाँ पे और देखेंगे, तो जिससे आपको दिन में जो है कम से कम 50 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मिलेंगे। 25 आपको एक वीडियो में मिलेंगे और जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके भी आपको 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोनों सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है वो आपकी प्रॉपर यहाँ पे हो जाएगी और जब 1 सब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो हम तुरंत जो है कोई दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे कवर अप करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और पूछ सकते हो। और देखो, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दो, चाहे आप स्टेट पीसीएस दो, ये सब जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और बिल्कुल इन डिटेल जो है मैं इस सीरीज़ को जो है कवर करने वाला हूँ। तो हम आपसे अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट हरप्पन साइट ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हरप्पन साइट जो है भारत में सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो राखीगढ़ी जो है ये सबसे बड़ी जो है हरप्पन साइट्स हमको देखने को मिलती है भारत में। अब यहाँ पे देखो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है ये राखीगढ़ी, ठीक है। अब राखीगढ़ी जो है करीब 11 माउंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको करीब 350 हेक्टेयर में जो है ये फैली हुई है और इसको डिस्कवर्ड किया है अमरेंद्र नाथ ने। नाउ अब यहाँ पे देखो तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे देखो तो ये हिसार दिख रहा होगा, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, ये लोकेशन है हमारा राखीगढ़ी की और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है और किस स्टेट में है, तो हरियाणा में, ठीक है। तो सही आपका आंसर जो है बन जाएगा क्या, हरियाणा, मतलब राखीगढ़ी। लेकिन अगर वो आपसे स्टेट पूछते हैं कि जो लार्जेस्ट हरप्पन साइट है वो किस स्टेट में हमको देखने को मिलती है, तो हरियाणा में देखने को मिलती है। किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। और कौन सी साइट है, तो वो है राखीगढ़ी। ना अब अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे थोड़ा क्वेश्चन जो है मैं अगर यहाँ पे चेंज कर दूं कि अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट ना पूछूं लेटेस्ट पूछ लूं तो लेटेस्ट साइट कौन सी हो जाएगी, धोलावीरा। अब लेटेस्ट से मतलब क्या है, जो सबसे बाद में जो है मतलब अभी एक्सिबिट जिसको किया गया है, मतलब अभी जो है इसको डिस्कवर्ड किया गया है, तो धोलावीरा जो है लेटेस्ट साइड यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट की तो स्मॉलेस्ट साइड जो है ये आपको अल्हमीनो जो है ये आपको देखने को मिलेगी और ये कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी कराची के पास, मतलब ये है पाकिस्तान में, जी हाँ। और ये एक पोर्ट जो है कराची, आपको पता है पोर्ट है, तो पोर्ट सिटी में भी जो है इसको कंसिडर किया जाता है। तो अल्हमीनो जो है सबसे छोटी भी है और एक पोर्ट सिटी भी है, तो डॉकयार्ड अल्हमीनो भी है और लोथल भी है। इसके अलावा और भी डॉकयार्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो अल्हमीनो है और जो इसके अलावा जो लोथल है, ये जो डॉकयार्ड है ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो हमारे यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला कि लार्जेस्ट हरप्पन साइट कौन सी है, तो राखीगढ़ी है। लेटेस्ट हरप्पन साइट कौन सी है, तो धोलावीरा है। लेकिन अगर हम बात करें कि ऑल ओवर जो हरप्पन साइट है उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में जितने भी साइट्स मिली हरप्पा के स्थल मिले हड़प्पा के, तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ी हो गई राखीगढ़ी और पूरे दुनिया में मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ी हो गई मोहनजोदाड़ो, मतलब जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है पूरी उसमें सबसे बड़ी साइट है मोहन
जोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये इंदस नदी के किनारे है और ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है और ये आपको सिंध प्रोविंस में जो है देखने को मिलेगी, पाकिस्तान में। तो आई होप कि इतना जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लार्जेस्ट हरप्पन साइट हो गई हमारी जो राखी गढ़ी है, ठीक है, इंडिया में। फिर लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन वर्ल्ड, तो वो हो गई मोहनजोदाड़ो। फिर लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट जो है वो है ढोलावीरा, ठीक है। स्मॉलेस्ट की हम बात करें तो स्मॉलेस्ट कौन सी है, अल्हमीनो। और अल्हमीनो कहाँ है, तो अल्हमीनो जो है आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी और सिंध नदी मतलब कराची के पास जो है ये स्थित है। तो बेसिकली रिमेंबर दिस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लोथल इज लोकेटेड इन, तो लोथल कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, तो लोथल गुजरात में है, पंजाब में है, राजस्थान में है या किसी भी इन सब राज्यों में नहीं है, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। लोथल आपको पता है डॉकयार्ड है, ठीक है, तो लोथल जो है एक डॉकयार्ड है और लोथल जो है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने को मिलता है गुजरात में। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। तो फिर उसके बाद गुजरात में, क्या गुजरात में लोथल ही बस साइट है, नहीं, गुजरात में एक साइट और देखने को हमको मिलती है, ढोलावीरा। और ढोलावीरा क्या है, लेटेस्ट साइट है, लेटेस्ट जो है इसको डिस्कवर किया गया है। और ये हमको कहाँ देखने को मिलती है, तो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वहां पे हमको ढोलावीरा देखने को मिलती है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये लूनी नदी की जो है किनारे है। तो बेसिकली ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोथल जो है ये डॉकयार्ड भी है और ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको भोगवा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। ढोलावीरा जो है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है जो लूनी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है सुरकोदत्ता वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो सुरकोदत्ता जो है इसको किसने यहाँ पे डिस्कवर्ड किया हुआ है, तो बेसिकली ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुरकोदत्ता की खोज जो है यहाँ पे किसने की गई थी, तो सुरकोदत्ता को जो है जेपी जोशी ने जो है डिस्कवर्ड किया गया, तो सही आंसर है जेपी जोशी। अब सुरकोदत्ता जो है ये कहाँ हमको देखने को मिलता है, तो ये गुजरात में जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो रोपर तालुका जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि अब गुजरात में तीन साइट और देख ली हमने, कौन कौन सी देख ली, अभी मैंने आपको बताया कि एक तो लोथल है जो डॉकयार्ड था, इसके बाद मैंने आपको बताया ढोलावीरा, तो ढोलावीरा जो है लेटेस्ट डिस्कवर्ड की गई है साइट, और एक और हमने देख ली अभी सुरकोदत्ता। तो अगर किसी ने हमसे पूछा कि इनमें से कौन सी साइट गुजरात में है, तो गुजरात में सुरकोदत्ता है हमको पता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे लोथल है जो डॉकयार्ड है वो भी हमको पता है, इसके अलावा जो ढोलावीरा है जो लेटेस्ट जो है यहाँ पे एक्सक्यूवेशन किया गया है वो भी जो है हमको यहाँ पे पता है। सुरकोदत्ता, लोथल, ढोलावीरा जो है ये साइट्स हमको गुजरात में देखने को मिलती हैं। तो गुजरात के जो नाम है वो अब आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंदस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिफरेंट विद आर्यन बिकॉज इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, इट हैज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। तो सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से भिन्न थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी अपनी लिपि है, इसकी एक कृषि अर्थव्यवस्था है, यह नर्मदा घाटी तक फैला हुआ है। तो देखो अब नर्मदा घाटी तक तो है हमको कुछ कुछ जो बेसिकली एक्सक्यूवेशन है वो उतने देखने को नहीं मिले, लेकिन हाँ फिर भी जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, मतलब नर्मदा घाटी में भी जो है यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे हुआ है, मतलब सिविलाइजेशन जो है हमको यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रॉपर इंदस वैली की, तो इंदस वैली सिविलाइजेशन जो है आपको जो इंदस रिवर है और भी जो रिवर्स हैं वहाँ पे मतलब नॉर्दर्न साइड पे जो है हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखोगे तो ये आर्यों से कैसे डिफरेंट था, तो आर्यों से इसलिए डिफरेंट था क्योंकि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रॉपर प्लानिंग देखने को मिलती है, प्लान तरीके से यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ब्रिक्स का यूज जो है देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो है ये आर्यों से जो है डिफरेंट है, तो वो इसलिए था क्योंकि ये जो है एक अर्बन सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे थी, तो ये अर्बन सिविलाइजेशन जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंदस वैली सिविलाइजेशन, तो इंदस वैली सिविलाइजेशन का सबसे सिग्निफिकेंट फीचर कौन कौन सा हमको देखने को मिलता है, तो इंदस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहला है बंट ब्रिक बिल्डिंग, फर्स्ट ट्रू आर्चेस, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप्स या आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, जली हुई ईंट की इमारतें, पहला सच्चा मेहराब, पूजा का भवन या कला एंड वस्तु कला। तो बेसिकली जो बिल्डिंग मटेरियल है विलेजेस और सिटीज का इंदस वैली का वो मड ब्रिक का जो है यहाँ पे बना हुआ होता था, और ये जो है यहाँ पे ब्रिक्स कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी।
तो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को वो ये रहा है कि बर्नड ब्रिक बिल्डिंग्स। तो हमको जो है बर्नड ब्रिक्स की जो है बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जली हुई की ईंट की जो इमारतें हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्रॉम विच ऑफ द साइट्स लाइमस्टोन एंड चर्ट ब्लेट मास प्रोड्यूस्ड एंड सेंट टू वेरियस हरप्पन सेटलमेंट इन सिंध, तो किस स्थल से चूना का पत्थर और चर्ट ब्लेट जो है इसको बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था और सिंध के जो विभिन्न हड़प्पा बस्तियां में भेजा गया है। तो ये जो सेटलमेंट्स थे, मतलब ये जो लाइमस्टोन और चर्ट ब्लेट जहाँ से निकलती थी, ठीक है, ये बेसिकली सुकूर और जो रोहरी हिल्स हैं वहाँ ये हमको देखने को मिलता है। तो रोहरी हिल्स जो है ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो प्रोविंस है सिंध का, वहां पे हमको देखने को मिलता है। तो ये पाकिस्तान में हमको देखने को मिलता है। तो रोहरी पहाड़ियां जो है ये सिंध प्रांत के उत्तर पूर्व में जो है स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है इसका कौन सा रिलेशन में नहीं है। तो पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बोज। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो सड़कों का निर्माण, खंभों का निर्माण, कुओं का निर्माण और धनुष का निर्माण। तो देखो मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर जो है ये हमको देखने को यहाँ पे नहीं मिलते, तो इसका संबंध जो है, मतलब इसका रिलेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से यहाँ पे नहीं है। स्ट्रीट हमको देखने को मिलती है, वेल्स हमको देखने को मिलते हैं, मोहनजोदाड़ो में भी देखने को मिले, बोज भी यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन जो पिलर्स हैं वो हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। तो स्तंभ का निर्माण जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। राइट आंसर होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर। वेयर वॉज द ग्रेनरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेनरी जो है ये हमको कहाँ देखने को मिलती है, तो ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, नन ऑफ दीज। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भंडार है वो कहाँ था, तो ये था लोथल में। लेकिन लोथल के अलावा मैं बात करूँ ग्रेट ग्रेनरी की, अभी मैं सिर्फ ग्रेनरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ग्रेट ग्रेनरी की बात करूँ तो ये आपको इंडस नदी के साउथ में देखने को मिलेगा, और ये आपको ग्रेट ग्रेनरी देखने को मिलेगी मोहनजोदाड़ो। आपको पता है मोहनजोदाड़ो जो है ये इंडस नदी के किनारे है बेसिकली, और लड़काना जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हमको देखने को मिलेगा सिंध प्रोविंस में, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो राखलदास बनर्जी हैं उन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया था 1922 में, ठीक है। सो बेसिकली रिमेम्बर दिस। और इसके अलावा भी 6 स्मॉल ग्रेनरीज जो है ये भी आपको देखने को मिलेंगी हड़प्पा में, और लार्जेस्ट बिल्डिंग जो है ये डिस्कवर किया गया है मोहनजोदाड़ो में, मतलब मोहनजोदाड़ो जो जिसको हम ग्रेट ग्रेनरी जो है कहते हैं। तो ग्रेट ग्रेनरी जो है ये लार्जेस्ट बिल्डिंग है जो हमको मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है। माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने जो है एयरपोर्ट से यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वॉइस जो है थोड़ा कम या जो है ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, इन विच डायरेक्शन वॉज द गेट ऑफ असेंबली हॉल सिचुएटेड, तो किस डायरेक्शन में जो असेंबली का गेट है, गेट हॉल है, ये हमको देखने को मिलता है। तो असेंबली हॉल का जो गेट है वो किस तरफ हमको देखने को मिलता है, किस डायरेक्शन में देखने को मिलता है, तो सभा भवन का द्वार किस दिशा में स्थित था, तो ऑप्शन है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ, तो उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण। तो असेंबली हॉल जो है ये अनदर स्ट्राइकिंग बिल्डिंग थी जो मोहनजोदाड़ो से यहाँ पे मिली है, काफी हिला देने वाली बिल्डिंग थी कि उस समय भी जो है लोग यहाँ पे असेंबली हॉल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो है हमको नॉर्थ साउथ में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो भी असेंबली हॉल के जो दरवाजे होते थे, जो असेंबली हॉल का जो गेट होता था, ये बेसिकली हमको जो है साउथ में, मतलब ये जो है बेसिकली हमको नॉर्थ में देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये असेंबली हॉल है तो ये नॉर्थ साइड जो है आपको यहाँ पे जो गेट है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा जो है सही यहाँ पे मैच नहीं है। ए है लेबर रेसिडेंस जो हड़प्पा में हमको देखने को मिला, दूसरा है ग्रेनरी जो मोहनजोदाड़ो में है, फिर है असेंबली हॉल जो कालीबंगन में है, इसके अलावा जो कॉपरएक्स रोपड़ में है। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना असेंबली हॉल वाला, ठीक है, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि लेबर रेसिडेंस हड़प्पा में मिला है बिल्कुल सही है, ग्रेनरी भी मोहनजोदाड़ो में मिलती है, ग्रिड ग्रेनरी अभी हमने बात करी, कॉपर हेक्स रोपड़ में मिला है, लेकिन असेंबली हॉल जो है ये आपको कालीबंगन में नहीं, ये मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ है। तो हड़प्पा के बारे में अगर हम बात करें तो हड़प्पा में लेबर रेसिडेंस है, इसके अलावा जो है 6 ग्रेनरीज जो है एक ही साथ यहाँ पे देखने को मिली है, मतलब भंडार जो है एक साथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। और हड़प्पा जो है कहाँ है, हड़प्पा आपको पता है कि रावी नदी के तट पे है, ये भी आपको जो पंजाब है पाकिस्तान में वहां पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो मोहनजोदाड़ो में जो है हमको असेंबली हॉल देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो किस सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले, यहाँ पे बोल रहा है नॉट हैव बीन नॉट डिस्कवर्ड, मतलब अवशेष नहीं मिले हैं। ऑप्शन है लॉयन,
शेर, हॉर्स, काउ, एलिफेंट। तो शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो देखो, पहली बात तो लॉयन और हॉर्स जो है ना, उन लोगों के लिए अननोन थे, ठीक है, उन लोगों के लिए अननोन थे। लेकिन एलिफेंट्स और काउस जो है, ये बेसिकली जो है हमको देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और हॉर्सेज भी जो है उतने कॉमनली जो है यहाँ पे यूज नहीं किया जाते इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन हॉर्स के फिर भी फ्यू फॉसिल्स जो है हमको यहाँ पे मिले हैं कुछ वैली से, लेकिन जो लॉयन है उसका कोई भी एविडेंस यहाँ पे नहीं मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो लॉयन जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। लॉयन का जो है, इसका जो कंकाल है, मतलब इसके जो अवशेष हैं, वो यहाँ पे नहीं मिले हैं। तो लॉयन जो है यहाँ पे, इसके अवशेष जो है हमको नहीं मिले हैं। तो रिमेन्स जो है लॉयंस के नहीं मिले, तो ये आंसर जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डेपिसिटेड ऑन द हड़प्पन सी। तो निम्नलिखित में से किस जानवर को हड़प्पा की मुहर पर चित्रित नहीं किया गया है, ठीक है, नहीं किया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है नॉट डेपिसिटेड और मतलब मुहर में जो है यहाँ पे चित्रित नहीं किया गया है। तो देखो यहाँ पे कुछ एनिमल्स जो ऐसे हैं जिनकी सील आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहला तो काऊ, कैमल और लॉयन, जिनकी सील में जो आपको जिनका जो मुहर जो है उनपे आपको जो चित्रित है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन बुल जो है, या तो कहीं जो है रिप्रेजेंट करता था सील को, तो बुल जो है यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है, मतलब बुल जो है यहाँ पे एक ऑप्शन है कि बुल जो है ये हमको सील्स में देखने को मिलता है। लेकिन एलिफेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भी हमको देखने को मिलता है, लेकिन जो हॉर्स है ना, ये हमको देखने को नहीं मिला। तो हॉर्स जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। शीप भी हमको कहीं कहीं देखने को मिली है। तो जो ऐसा एनिमल जिसकी मुहर जो है यहाँ पे चित्रित नहीं किया गया, इसको मुहर पे चित्रित नहीं किया गया, तो ये जो है सही आंसर होगा हॉर्स। तो घोड़ा जो है ये हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि घोड़ों के बारे में उनको उतनी जानकारी जो है थी नहीं। मतलब कहीं कुछ लोग जो है घोड़े को यहाँ पे यूज करते थे, लेकिन वाइडली जो है इसकी रेंज जो है हमको देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड फ्रॉम विच साइड। तो फेमस जो बुल सील है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बैल मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और चन्हुदारो। तो आपको पता है ये हड़प्पा से पाई गई है, तो हड़प्पा से जो है इस सील को प्राप्त किया गया है। बुल सील वॉज फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। सील्स आर मेनली इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप। अब ये सील किस शेप एंड साइज की थी, तो ये स्क्वायर भी हुआ करती थी और रेक्टेंगुलर भी हुआ करती थी, ठीक है ना। ये जो बुल सील डेट्स हैं, ये अराउंड आपको 2450 से लेके 2200 BC की जो बीच की जो है ये आपको देखने को मिलेगी। तो बुल सील जो है ये फाउंड की गई है हड़प्पा से, तो सही आंसर होगा हड़प्पा। तो ये था एंड इस वीडियो का, जिसमें जो है हमने सेट थ्री देखा। सेट थ्री में मैंने कुछ जो है और क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आए हैं, और अब जो वीडियोस आएंगे उनमें जो है यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में जो है मैंने कम क्वेश्चंस रखे हुए हैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और प्रॉपर जो है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें जो है हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।